परिचय। प्रिया, तुम इन तीलियों के साथ क्या कर रही हो? मैं इन तीलियों की सहायता से अलग अलग तरह की आकृतियां बना रही हूँ। देखो, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। ये तो अच्छा है। क्या आप तुम एक त्रिभुज बना सकती हो? हाँ, मैं बना तो सकती हूँ, पर अब मेरे पास सिर्फ दो तीलियां बची हैं। कोई समस्या नहीं, तुम अब भी एक त्रिभुज बना सकती हो। लेकिन कैसे? ये तीलियां मुझे दो। देखो, अब दोनों आकृतियों का आधार एक ही है। हाँ, यह तो बहुत आसान था। आओ, इस अध्याय में हम ऐसी ही और भी आकृतियों के बारे में जानते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां बनाना। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुजों को समझना। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों को समझना। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेयों को सिद्ध करना। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरणों को हल करना। परिभाषाएं। किसी भी समतल क्षेत्र के विस्तार अथवा उसकी माप को उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि समतल क्षेत्र क्या है? किसी समतल का वह भाग जो किसी बंद आकृति के अंदर हो, वह उसी आकृति का समतल क्षेत्र कहलाता है। दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, लेकिन समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां सर्वांग सम हो, यह आवश्यक नहीं है। किसी आकृति के क्षेत्रफल को AR से भी दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के स्थान पर AR ABC भी लिखा जा सकता है। एक ही आधार पर बनी आकृतियां। इस आकृति की ओर देखिए, यहां दो आकृतियां हैं, एक आयत ABCD और एक समांतर चतुर्भुज CDEF। अब हम देख सकते हैं कि दोनों आकृतियों में आधार CD उभयनिष्ठ है। ठीक इसी तरह इस आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD एक ही आधार BC पर स्थित हैं। अब इस आकृति को देखें, इसमें एक त्रिभुज ECD और एक समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों एक आधार यानी CD पर स्थित हैं। एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां। अब इस आकृति की ओर देखें, हम देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABEC तथा समांतर चतुर्भुज ABFD में आधार AB उभयनिष्ठ है। साथ ही समांतर चतुर्भुज ABEC के शीर्ष C और E जो भुजा AB के सम्मुख हैं तथा समांतर चतुर्भुज ABFD के शीर्ष D और F जो भुजा AB के सम्मुख हैं, एक ही भुजा CF पर हैं जो AB के सम्मुख है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार AB पर तथा एक ही समांतर रेखाओं AB तथा CF के बीच स्थित हैं। ठीक इसी तरह इस चित्र में ADB तथा ACB दोनों त्रिभुज एक ही आधार
ए बी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं ए बी तथा डी सी के बीच स्थित हैं। इसलिए दो आकृतियां यदि एक ही आधार पर स्थित हैं और उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख स्थित उनके शीर्ष एक ऐसी रेखा पर स्थित हैं जो आधार के समांतर हैं, तो वो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएंगी। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। प्रमेय: एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। दिया गया है दो समांतर चतुर्भुज एबीईसी और एबीएफडी जो एक ही आधार एपी तथा एक समांतर रेखाओं एबी और सीएफ के बीच स्थित हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि एबीईसी का क्षेत्रफल बराबर है एबीएफडी के क्षेत्रफल के। त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीईएफ में कोण एसीडी बराबर है कोण बीईएफ के, क्योंकि ये समांतर रेखाओं एसी सर्वांगसम बीई तथा त्रियक रेखा सीएफ के संगत कोण हैं। इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए। कोण एडीसी बराबर है कोण बीएफई के, क्योंकि ये समांतर रेखाओं एडी सर्वांगसम बीएफ तथा त्रियक रेखा सीएफ के संगत कोण हैं। इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए। इसलिए त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार कोण सीएडी बराबर है कोण ईबीएफ के। इसे समीकरण तीन से चिन्हित कीजिए। साथ ही एसी बराबर है बीई के। ये समांतर चतुर्भुज एबीईसी की सम्मुख भुजाएं हैं। इसे समीकरण चार से चिन्हित कीजिए। इसलिए एएसए नियम द्वारा समीकरण एक तीन चार का प्रयोग करते हुए त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीईएफ सर्वांगसम हैं। जो कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए एडीसी का क्षेत्रफल बराबर है बीईएफ के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण पांच के रूप में चिन्हित कीजिए। अब एबीईसी का क्षेत्रफल बराबर है एडीसी के क्षेत्रफल जमा एबीईडी के क्षेत्रफल के। हम जानते हैं कि एडीसी बराबर है बीईएफ के, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीकरण पांच का उपयोग करते हुए एबीईसी का क्षेत्रफल बराबर है बीईएफ के क्षेत्रफल जमा ईडीएबी के क्षेत्रफल के, जो एबीएफडी के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए समांतर चतुर्भुज एबीईसी तथा एबीएफडी दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। प्रमेय का विलोम। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार एक ही आधार पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण: यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज उसी त्रिभुज जैसे दो त्रिभुजों से बना होता है। मान लेते हैं कि एक उभयनिष्ठ आधार BC पर और एक ही समांतर रेखाओं AE और BC के बीच समांतर चतुर्भुज ABCD और एक त्रिभुज EBC स्थित है। अब सिद्ध करते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है। रचना: रेखा AC खींचिए। चूंकि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD त्रिभुज ABC से दुगना है। किंतु त्रिभुज ABC और EBC एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं AE और BC के बीच स्थित हैं, इसलिए वह दोनों समान हैं। इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है। इति सिद्धम्। एक समलंब ABCD है जिसमें AB सर्वांग सम है DC के। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर है। हल: यह देखा जा सकता है कि त्रिभुज DAC और त्रिभुज DBC एक ही आधार DC पर और एक ही समांतर रेखाओं AB और CD के बीच स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के। अर्थात त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। और इस प्रकार त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। प्रमेय: एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। दिया गया है एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC तथा ED के बीच स्थित दो त्रिभुज ABC और DBC हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के। रचना: B से होते हुए CA के समांतर E पर बनी DA को काटती हुई BE खींचिए और C से होते हुए BD के समांतर F पर बनी AD को काटती हुई CF रेखा खींचिए। उपपत्ति: निर्माण के अनुसार हमारे पास दो समांतर रेखाएं BE और CA हैं और BC EA के समांतर है, ये हमें दिया गया है। इसलिए चतुर्भुज BCAE एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक इसी तरह BCFD भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज BCAE तथा समांतर चतुर्भुज BCFD एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा ED के बीच स्थित हैं। इसलिए समांतर चतुर्भुज BCAE का क्षेत्रफल बराबर है
समांतर चतुर्भुज BCFT के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों में बांट देते हैं, इसलिए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज BCFD के क्षेत्रफल के आधे के। इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज BCAE के क्षेत्रफल के आधे के। इसे समीकरण तीन से चिन्हित कीजिए। अब समीकरण एक से समांतर चतुर्भुज BCAE का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज BCFD के क्षेत्रफल के। इसलिए समांतर चतुर्भुज BCFD का आधा क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज BCAE के आधे क्षेत्रफल के। इसलिए सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के। इस प्रमेय का विलोम कथन भी सत्य है, जिसके अनुसार समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज जिनके आधार एक ही हैं या बराबर हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण, एक त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। हल दिया गया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए यह त्रिभुज ABC को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटेगा। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। इसके अनुसार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण एक से चिन्हित करें। त्रिभुज ABD में AD का मध्य बिंदु E है, इसलिए BE माध्यिका है। इसलिए त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल के। अर्थात त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के। अर्थात समीकरण एक के अनुसार त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा 1/2 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। जिससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। सिद्ध करिए कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं। हल, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए O AC और BD का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में BO माध्यिका है, इसलिए यह इसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण एक से चिन्हित करें। त्रिभुज BCD में CO माध्यिका है, इसलिए
त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए। ठीक इसी तरह त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एओडी के क्षेत्रफल के। इसे समीकरण तीन से चिन्हित करें। समीकरण एक, दो और तीन से हमें यह पता चलता है कि त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल के, जो कि बराबर है त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल के, जो कि बराबर है त्रिभुज एओडी के क्षेत्रफल के। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं सिकंदरिया के हीरोन एक शताब्दी ईसा पूर्व ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की खोज की थी। गणित के इतिहास में वह सबसे अधिक इसी सूत्र के कारण जाने जाते हैं जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी आकृति का क्षेत्रफल वह संख्या किसी इकाई में है जो उस आकृति के अंदर आने वाले समतल को दर्शाती है। दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन इस कथन का विलोम भी सही हो ये आवश्यक नहीं है। दो आकृतियां यदि एक ही आधार पर स्थित हैं और उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख स्थित उनके शीर्ष एक एसी रेखा पर स्थित हैं जो आधार के समांतर हैं, तो वो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएंगी। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और लंब के गुणनफल का आधा होता है। एक ही आधार या बराबर आधारों पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। एक ही आधार या बराबर आधारों पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक त्रिभुज की मध्य उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है।